अंग्रेजाच्या जमान्याची बॉडी तर तुम्हाला दाखवली गाईज. आता अंग्रेजाच्या जमान्याचं हे झाड बघा, ह्याला एक बी पाला नाही, एक बी अर्धा बी पाला नाही बघा, एक बी पाला नाही. आमचे परसाद भाऊ किती असायचे बघा, की एक बी पत्ता नाही उसको. हो ना, एक बी पत्ता नाही उसको. अंग्रेजों के जमाने काय का ते, अभी तक वैसे खड़ा है, अभी तक वैसे ही खड़ा है गाइस, इसका पत्ता भी ढीला नहीं. गाइस बातचीत तो एमएच 22 ब्लॉग. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तो देखो स्पेशल हम आए हैं, इनका नाम है वैभव और इनका नाम है प्रसाद भाव. तो स्पेशल इनके लिए मिलने के लिए यहाँ आया था ईदगाह मैदान में. इन्हों भी परभनी के छह, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो आज हम स्पेशल जगह पे घूमने के लिए जाने वाले हैं और इन्हें भी मैं घुमाने वाला हूँ. तो वो क्या स्पेशल जगह होने वाली है वो वीडियो में आपको दिख जाएगी. और इनके भी चैनल पे मेरा इन्हों वीडियो बनाने वाले, तो इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो. और मेरे दोस्त ही है ये हमारे फ्रेंड है, बहुत अच्छे खासे फ्रेंड बन गई है. तो हाय हाय कर दो कुछ. हाय हाय कर. चलो गाय चलते हैं अभी. आकाश भाई, हम परभनी का तो पहुंच गए. हाँ, परभनी की चश्मे की बॉडी इनको बताने वाला हूँ गाइस मैं, और इनको उसके नजारे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला आकाश भी. बहुत मजा आने वाली है. लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो. गाइस बहुत बड़ी रेल आ रही है गाइस. अरे रेल नहीं रे, इंजन है रे. हेलो गाइस, देखो हम जा रहे हैं चश्मे की बॉडी. थोड़ा एक चीज बताने, देखो बताने जा रहे हैं गाइस, बताने जा रहे हैं. एक ऐसी चीज है गाइस जो बॉडी है, खतरनाक चीज है गाइस. हम जा रहे हैं देखो, मगर नालिया में से, खोलिया में से ये रोड को, मगर बहुत खड्डे खड्डे है. मैं बोला मोदी जी को बनाओ, बोल के मोदी जी ने कहा गाइस हम नहीं बनाएंगे बोल रहे हो. देखो हम जा रहे हैं, हम आ गए. देखो खेता जूता मेरे घर के खेता है सामने गाइस. रोड़ा बहुत हाई फाई है गाइस, इधर के रोड़ा आप देख सकते हैं गाइस. और हमारी गाड़ी भी बहुत हाई फाई है गाड़ी. गाइज हमारे साथी पीछे रह गए गाइज, आप देख सकते हैं. वो देखो वहाँ से आ रहे, रास्ता भूल गए थे गाइज हम. और जल्द ही हम आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा बताने वाले हैं. ये बोलना रे, कुछ बोलना. अरे बताने वाले गाइज, गाड़ी भी हमारी ऐसी खतरनाक है, बहुत खतरनाक गाड़ी गाइज. बहुत साथ दे रही, देखो गाइज अंधी हो गई गाड़ी. लेकिन गाड़ी का जो मज़ा है वो आखिरी है, बहुत मज़ा आ रहा है. ये आग चुके देखो इधर, प्रसाद भाव के साथ जंगल में ला लिए गाइस. इसने हमों को परभनी बाहर जंगल में ला लिया है गाइस. ये हमारे वैभव भाव के पास एक गिम्बल है, इन्होंने मंगाया ऑनलाइन. कितने मंगाए? 500 रुपए मंगाए गाइस. तो ये लगा के देखेंगे कैसा क्लैरिटी आती. स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस इसका, देखेंगे लगा के देखेंगे. वाओ वेरी डेंजरस, क्या है इसकी क्लैरिटी गाइस, आखिरी से एकदम. और स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है गाइस. और ये 500 रुपए में है, अगर आप भी मंगा सकते हैं. मैं भी जल्दी मंगाने वाला हूँ, और आपको चश्मे हैं बॉडी के पूरे नजारे बताऊंगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरे भी मेरे सब लगे हैं, पूरी माहिती यहाँ पर. इसके पहले भी मैंने आपको मेरे व्लॉग में पूरे बताया कि कैसा है चश्मे हेड बॉडी, कितनी फिट है, क्या क्या है सब, वो बताने की गरज नहीं. और बहुत ही खूबसूरत है ये. अभी पानी थोड़ा कम हो चुका है गाइस, गए बारी को पानी बहुत था बहुत. देखो ये वैभव भाव का रिएक्शन देखो, कैसा लग रहा था तुम्हारा? बहुत बढ़िया ना, ये बहुत बढ़िया ना, बहुत बड़ी पहली बार देखा इतनी बड़ी. गाइस मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी हीर नहीं देखी है. परभनी में रहते लेकिन हमको मालूम नहीं थी गाइस. नहीं बावड़ी से हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं थी. लेकिन परभनी में रहने के बावजूद अब हमें मालूम हो चुकी है. और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, कोई बात का टेंशन नहीं है गाइस, बहुत मजा आ रहा है. लाइक कर दो गाइस. मेरे दोस्त पागल हो गए, देखो गाइस मेरे दोस्त पागल हो गए, देखो गाइस लाइक करो हमारे भाई. और ये गाइस जो मेरा चेहरा ऐसा यूं यूं हो रहा ना गाइस, ये धूप के वजह से हो रहा है. अगर आपको अच्छा लगे तो देखो आप, थोड़ा थोड़ा सह लो. और ये बॉडी के तो नज़ारे हर बार आपको बताया मैंने बबलू भाई के साथ हमारे. और ये गिम्बल तो काफ़ी अच्छा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है इस गिम्बल में तो. और काफ़ी स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा है. देखो गाइस कितनी खूबसूरत है ये बॉडी. वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अभी हम क्या करने वाले गाइस, हमारे वैभव भाव के साथ और हमारे प्रसाद भाव के साथ हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं यहाँ पर. तो इनके लाइक करो, फॉलो करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. तो अभी इनके साथ भी एक हम ब्लॉग बनाने वाले हैं, ये उनके चैनल पे देखने को मिलेगा आप. अभी हमारे प्रसाद भाव आने वाले हैं, उनके साथ भी हम ब्लॉग बनाने वाले. तुम्हारे चैनल का क्या नाम? ये चैनल का नाम पूछ रहा, देखो ये बोल क्या बोल रहे एमएच 22 ब्लॉग. ब्लॉग हमारे परभनी के, परभनी का ब्लॉग डाले. तो मेरे ब्लॉग के नीचे अब तुम्हारे ब्लॉग अब पूरे आने वाले, बहुत मजा आने वाला. मतलब जो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी ब्लॉग लोग देखेंगे, उसके नीचे आ जाएंगे अपने आप. धन्यवाद गाइस, धन्यवाद, मजा आ गया. ऐसा ही सपोर्ट करो परभनी के लड़के को, परभनी के लड़के को. और हमारे दोस्तों को सपोर्ट करो, वैभव भाव को. ये बहुत अच्छे यार, बातचीत में बहुत बढ़िया, इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा मुझे. और हम भी ऐसे इंजॉय करते हैं गाइस, आपके लिए इंटरटेनमेंट रहते हैं हम. तो प्रसाद भाई कहाँ रह गए पता नहीं यार, उनका इंतजार कर रहे हैं हम. बहुत ही अंदर आ चुके थे हम, यहाँ पर पेड़ है बहुत सारे, यहाँ पर सुनसान इलाका है. और इधर हम आ चुके थे, मतलब यहाँ घूमने के लिए आए थे हम, कुछ दूसरा करने के लिए नहीं आए थे कुछ.
और आपको इस बौड़ी के नज़ारे भी बताए हमने, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, निकल रहे हैं। इन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वैभव भाऊ और हमारे प्रसाद भाऊ, इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो इनके चैनल को एक बार भेट दो जाके, यहाँ बेटा जाओ नानी, थोड़ा यहाँ सब्सक्राइब करा, थोड़ा सपोर्ट करा। तो चलो अब हम जाएंगे और घर पे जाएंगे मस्त, सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। ये बॉडी को देख के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आया। तो चलो चलते हैं, अभी मेरे दोस्त पीछे अटक चुके हैं वहाँ पर, और अभी इनके भी ब्लॉग में मैं दिखने वाला हूँ आपको, तो बहुत मज़ा आने वाली है। हमारे प्रसाद भाव के भी ब्लॉग में मैं दिखने वाला हूँ। चलिए गाइस चलते हैं। इधर बाजू में फवारनी चालू है, और ये बांगड़ बिल्ला बांगड़ बिल्ला जैतान चौराहे स्वागत है आपका न्यू चैनल। और ये भी हमारा दोस्त, ये दोनों ने बहुत सपोर्ट करेगा इस ब्लॉग बनाने में मुझे, और मैं आज अकेला था, और उसके साथ साथ हमारे प्रसाद भाव ने भी हमें बहुत सपोर्ट करे, और हमारे वैभव भाव ने भी बहुत सपोर्ट करे। इनका भी चैनल के लिंक है, दोनों की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके, और ये बॉडी का तो खूबसूरती आपको पता ही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम घर पे जाने वाले हैं, और चलो अब कोई काम नहीं, अब घर पे जाएंगे, बाद में खाना भी ना खाएंगे, और बाद में ख़त्म कर देंगे ब्लॉग को, एंड कर देंगे, एडिट कर देंगे ब्लॉग को, बाद में आपको देखने को मिल जाएगा ये ब्लॉग। अंग्रेजाच्या जमान्याची बॉडी तो तुम्हाला दाखवली गाइस, आता अंग्रेजाच्या जमान्याचं हे झाड बघा, ह्याला एक भी पाला नाही, एक भी अर्धा भी पाला नाही बघा, एक भी पाला नाही। आमचे प्रसाद भाऊ किती हसायचे बघा, की एक भी पत्ता नाही उसको। हो ना, एक भी पत्ता नाही उसको। अंग्रेजों के जमाने का है कहते, अभी तक वैसे खड़ा है, अभी तक वैसे ही खड़ा है गाइस, इसका पत्ता भी ढीला नहीं। गाइस बातचीत तो